हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हैं ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप जानने वाला हूँ ओप्पो A3s के बारे में कि आप लोग किस टाइप से अपने ओप्पो A3s में जो है फिंगरप्रिंट लॉक किस टाइप से जो है एक एप्लीकेशन की मदद से सेट कर सकते हैं। जो कि आप लोगों को पता हो गया कि इसमें जो है फिंगरप्रिंट लॉक नहीं दिया अपने ओप्पो A37 ने, बट मैं आप लोग को जो एक एप्लीकेशन की मदद से जो बताऊँगा किस टाइप से जो है फिंगरप्रिंट लॉक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते पहले बता दो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज़ रेड के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार बगल में बेल आइकन दबाना ना भूले, और यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए बात करते टॉपिक की, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे जो सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है फॉलो कर लेना। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को ऐसे ओपन कर लेता हूँ, इसका लिंक जो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लोडिंग लेगा। तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस टाइप के यहाँ पे इंटरफेस नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है अनेबल फिंगरप्रिंट लॉक, उसके बाद अनेबल लॉक स्क्रीन, अनेबल वाइब्रेशन, डिसेबल सिस्टम स्क्रीन लॉक, चेंज पासकोड, चेंज वॉलपेपर स्टाइल, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग कुछ बेसिक सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, अनेबल फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है पासकोड डाल दीजिएगा। पासकोड इसलिए मांगता है कि अगर आप लोग का फिंगरप्रिंट लॉक से नहीं खुलेगा तो पासकोड यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा पासकोड डाल देता हूँ अपना। उसके बाद और एक बार डालना पड़ेगा मुझे री इंटर पासवर्ड। तो इस टाइप से जो मैंने यहाँ पे पासकोड भी डाल दिया और फिंगरप्रिंट लॉक भी डाल दिया। तो इस टाइप से आप लोग ये सेट कर दीजिएगा फिंगरप्रिंट लॉक। उसके बाद डिसेबल सिस्टम लॉक स्क्रीन पे आप लोग क्लिक करेंगे। आप लोग जो है डिसेबल सिस्टम लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को पहले जो पैटर्न रहता था या फेस लॉक रहता था, या सॉरी पैटर्न लॉक जो रहता था, आप लोग उसे डिसेबल भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चेंज पासकोड का ऑप्शन देता है, तो आप लोग यहाँ से जो पासकोड चेंज कर सकते, जो भी आप लोगों ने पासवर्ड डाला था वो यहाँ से आप लोग जो है चेंज कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद चेंज वॉलपेपर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट लॉक में। तो यहाँ पर मैं कोई भी फिंगरप्रिंट लॉक में जो वॉलपेपर सेट कर देता, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैंने फिंगरप्रिंट लॉक में वॉलपेपर सेट कर दिया। उसके बाद स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पासकोड के स्टाइल मिल जाएंगे, जो कि आप लोग को इस टाइम देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग जो स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा फिंगरप्रिंट लॉक जो है किस टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को करता हूँ लॉक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा लॉक स्क्रीन जो है किस टाइप से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोग को और एक बार बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं गलत फिंगर डालता हूँ जैसे, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैं डाला तो एक्सेल डिजाइनर हो गया। जैसे यहाँ पे मैं और एक बार डालूंगा तो फिर से हो जाएगा। यहाँ पर मैं करूँगा यहाँ पे जो है इस टाइप से जो है फिंगरप्रिंट लॉक अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे मैं पासकोड भी डाल दूंगा। इस टाइप से आप लोग जो है फिंगरप्रिंट लॉक के यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं अपने ओप्पो A3s में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट हो कमेंट करना बोले, मैं उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद। थोड़ी देर में क्लियर बता दी।